स्वागत है आपका राशिफल टीवी में। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि के लोगों को आज के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनका दिन शुभ रहे? इसके अलावा वे कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप आज होने वाले नुकसान से बच सकते हैं? इसके साथ ही आज आपको किन किन चीजों से सावधान रहना चाहिए? आज के दिन आपके लिए कौन सा रंग और कौन सा नंबर शुभ रहेगा ये भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं 15 जुलाई का राशिफल। कुंभ दैनिक राशिफल। दिन शुरुआत में बहुत अच्छा, बाद में थोड़ा व्यस्त रह सकता है। घर पर कोई बीमार पड़ सकता है और आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी देखभाल के लिए समय निकालना होगा। आपको सहकर्मियों या दोस्तों से खुशी मिलेगी और आप आने वाले समय में उनके साथ समय बिताने की योजनाएं बना सकते हैं। कुंभ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। आप किसी जटिल समस्या में फंस गए लगते हैं या आज आपकी आध्यात्मिक शांति भंग होने वाली है। आज आपकी कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा होने वाली हैं। अगर आपको कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए काउंसलर की मदद भी लेनी पड़े तो लें। अपने सपनों पर ध्यान दें तो शायद आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। कुंभ प्यार और संबंध राशिफल। आप किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं। आपके इस नए अफेयर की शुरुआत काफी ताजगी भरी और अंतरंग होगी। आपका दिमाग काफी मुक्त रहेगा और आप दिखावे से प्रभावित हुए बिना सच्चे प्यार और सच्चे संबंध की तलाश में रहेंगे। पिछले समय के कड़वे अनुभवों को रुकावट न बनने दें। अगर आपको डर लग रहा है तो सावधानी से आगे बढ़ें। कुंभ कैरियर और धन राशिफल। आज आपको लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन क्षेत्रों को देखें जहां पहले आपने कार्य नहीं किया है। अन्वेषण आपके लिए आज महत्वपूर्ण रहेगा। आपको कुछ सार्थक मिल सकता है। अगर आप अपनी नौकरी स्थानांतरण की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन काफी शुभ हो सकता है। आपको शीघ्र ही एक नई नौकरी या एक नए कार्यालय में भूमिका मिल सकती है। आज का आपका शुभ रंग है गुलाबी। आज आप गुलाबी रंग का उपयोग करें, उससे अच्छी तरक्की होने की संभावना है। और आज का आपका शुभ अंक है 2। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे, हर दिन शुभ जाएगा। इसी तरह आपका रोज का राशिफल देखने के लिए और जीवन सरल बनाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।